बाजी बाजी वो देखो डैडी 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 वो देखिए गाड़ी के नीचे एक आदमी बम लगा रहा है। हाँ वो देखिए ये क्या कर रहे हो बॉस? वो गाड़ी में बैठी हुई फैमिली ने हमें बम फिट करते हुए देख लिया है। इन्हें खत्म करना जरूरी है क्योंकि ये हमारे जुर्म के चश्मदीद गवाह होंगे। बम के धमाके से जिंदा बचेंगे तो हमारे खिलाफ गवाही दे सकेंगे। थोड़ी देर में बम फटने वाला है, चलो यहां से चले। कहा आप और आपके बच्चे गुलशन मार्केट में धमाका करने वाले तखरीबकारों से वाकिफ हैं? जी हाँ, धमाके की वजह से मेरे बच्चों की हवास बाख्ता हो गए थे, वरना मैं खुद थाने हाजिर हो जाता। आप जल्द से जल्द अपना पता लिखवाइए, मैं आ रहा हूँ। बेटे और बहू के कत्ल की खबर सुनकर आज ही लंदन से यहां पहुंचा हूं और उस वक्त तक वापस नहीं जाऊंगा जब तक आप उनके कातिलों का सुराग नहीं लगा लेते। सिर्फ हमें बच्चे ही कातिलों तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन यह मालूम करना किसका काम है कि बच्चे जिंदा हैं या मर गए हैं? वैसे तो यह काम पुलिस का है, लेकिन लगता है कि यह काम मुझे खुद करना पड़ेगा। आप कौन है? शायद लंदन में रहने की वजह से आप मुझे नहीं जानते। मैं शाकिर मरहूम का दोस्त हूं। उनके कत्ल की खबर अखबार में पढ़कर मुझे बहुत अफसोस हुआ। वो बच्चों का कोई सुराग मिला?
अगर मैं माजूर ना होता तो। आप फिक्र न करें, मैं बहुत जल्द बच्चों का सुराग लगाकर मुजरिमों को कानून के हवाले कर दूंगा। मैं आज ही उनकी बाजियाबी के लिए अखबार में इश्तेहार दे रहा हूं। बालो, अगर तुम किसी ट्रक के पहिए के नीचे आकर पागल कुत्ते की तरह मर जाओ, किसी बम के धमाके में तुम्हारे खूबसूरत जिस्म के चीतड़े उड़ जाए, किसी हंगामे में तुम्हें गोली लग जाए, तो सोचो तुम्हारे ये तीन बच्चों का क्या होगा। लेकिन नहीं, फिक्र ना कीजिए, ऐसे यतीम बच्चों के लिए इस संधी लड़की ने यतीम खाना खोल रखा है। शाबाश शाबाश, जब से धमाके शुरू हुए हैं लोगों के दिलों में खुदा का खौफ और बढ़ गया है। शाबाश शाबाश, अल्लाह आपको खुश रखे मेरे भाइयों। शाबाश शाबाश, अल्लाह आपको खुश रखे मेरे भाइयों। शाबाश भाइयों शाबाश। अरे ये कौन है? छोड़ दो उस्ताद, इस अंधी लड़की से क्या मांगता है? किसी से कह तो ना सके कि इसकी इज्जत किसने लूटी है। खुदा के खौफ से डर, मुझे छोड़ दे। जितना चीख सकती हो चीखो, तुम्हारी मदद में कोई नहीं आएगा। अल्लाह ताला मजलूमों की फरियाद जरूर सुनता है, वो मेरी बहन की इज्जत बचाने के लिए जरूर किसी को भेजेगा, जरूर किसी। कोई नहीं आएगा तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए, कोई नहीं आएगा। अपने आदमी को मार दिया जिसने हमारी इज्जत बचाने के लिए लड़ाई करी, आपने उसी की खोपड़ी उड़ा दी। मुझे इसका बहुत अफसोस है, लेकिन मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, इसलिए कि आप अंधी होकर भी यतीमखाने के लिए चंदा जमा करती हैं। वरना इस दुनिया में ऐसी लड़कियां भी हैं जो लोगों की जेबों पर टाका डालती हैं।
जाओगी जाने मन? मुझे तो कहीं नहीं जाना। हाँ, तो फिर मेरी गाड़ी में क्यों आके बैठ गई हो? ये कहने के लिए कि जो कुछ तुम्हारी जेब में है उसे मुस्कुराते हुए मेरे हवाले कर दो। अगर मैं ऐसा ना करूं तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी कि तुम मजबूर होकर अपना बटुआ मेरे हवाले कर दोगे मुस्कुराते हुए। ऐसा कभी नहीं हो सकता, कर लो कोशिश। सोच लो जाने मन। अच्छी तरह सोच लिया है। खड़ी थी कि इस आदमी ने जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर गाड़ी में बैठाकर मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। अगर आप लोग ना आते तो पता नहीं मेरा क्या हशर होता। अबे बाहर निकल दलील आदमी। अबे तू लोगों की बहू बेटी को छेड़ता है, इतनी प्यारी प्यारी लड़कियों को तू छेड़ता है, मारता है। अबे तो अबे तर, अबे यार मेरी बात सुनो यार, वो देखो वो लड़की छूट करके चली गई, वो फ्रॉड कर गई, वो देखो। अबे तुम इतने कम ले लो, बड़ी आदमी को मारा। हेलो बाबरा जी, क्या कहा? खुदा तुम्हारा बेड़ा गर्क करे, ये बाबरा जी का नहीं तुम्हारे बाप का घर है। अरे तुम्हें चैन नहीं आता रात को? आंखें खोल कर डायल किया करो नंबर को, स्टूपिड।
गया, ये तो जा गया। चोर 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 पकड़ो इसको। तमाम दुकानदारों से हमारे नाम का टैक्स वसूल करो और जो नहीं देता है। कौन सी चक्की का आटा खाती है? तुम्हारी जेब में है उसे मेरे हवाले कर दो मुस्कुराकर। वरना
वरना तुम चीख चीख कर शोर मचाओगी कि इसने मेरी इज्जत पर अटैक करने की कोशिश की है, और फिर लोग जमा हो जाएंगे और वो मुझे मारते 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 थाने ले जाएंगे। कैसा? तुम्हें कैसे मालूम? इसलिए कि मैं तुम्हारी और तुम्हारे भाइयों की शोहरत सुन चुका हूं। अब तुम भले चीख चीख कर सारी दुनिया जमा कर लो ना, तुम्हें रकम नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी? अच्छा, तो फिर देख तमाशा। बचाओ, बचाओ, है कोई मुझ गरीब को बचाने वाला? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? मैं क्या बताऊं, मैं सड़क के किनारे खड़ी थी। अच्छा। मैं बताता हूं, मैं इस बेवफा औरत का तन्हा बदनसीब शोहर। ये लम्बू तुम्हें झूठ बोल रहा है। क्या करे? झूठा झूठा झूठा। आज मैं कहूंगा, तुम सुनोगी बेगम। मुझे बेगम मत कहो। खामोश। मैंने इस औरत को खुश करने के लिए सारी दुनिया की नेमतें इसके कदमों में ढेर कर दी, और इसके बदले में इसने और इसके जालिम भाइयों ने मेरी जिंदगी अजीरन कर दी है। अब इसके जालिम भाइयों का मुतालबा है कि हमें 5 लाख रुपए दे दो, वरना हमारी बहन को तलाक दे दो। ना मैं 5 लाख रुपए दे सकता हूं, और ना इस औरत को, अपनी इस खूबसूरत बीवी को छोड़ सकता हूं। इंसाफ आप पर है लोगों, या मुझे मारिए और या भाइयों, ये झूठ बोलता है, इसे मारो। अरे ओ मोमबत्ती, तुम जाता क्यों नहीं अपने मर्द के साथ? अरे चली जाओ, नहीं तो ये लोग मार मार के इधर ही कल्टी करेगा। मुझे बचा लो, चलिए सरदार। अरे कैसे फिक्र ना करूं, हम जिसे लूट ले आए थे वो ही हमारी बहन को ले गया। अरे तुम, क्या हम दोनों इससे पहले भी मिल चुके हैं? नहीं, लेकिन तुमसे मिलती जुलती एक लड़की को मैं पहले मिल चुका हूं, बस फर्क सिर्फ इतना है कि वो अंधी है। हाँ। तुम्हारे बारे में? हाँ, लेकिन तुम्हें किसने बताया? मेरी उस अंधी बहन ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। वो मेरी जुड़वा बहन है। सच? मगर वो है कहाँ? काफी दिनों से नजर ही नहीं आ रही। तुम तो ऐसे पूछ रहे जैसे तुम्हें प्यार हो गया। मैं उसे प्यार करता हूँ। वो माजूर अंधी लड़की तुम्हारे काबिल नहीं है। प्यार करना है तो मुझसे करो। ला हौला वला कुव्वता, तुम जैसी मॉडर्न लड़की से तो वो सीधी सादी भोली भाली लड़की बहुत अच्छी है, आधा वर्ष है। Thank you.
दिया प्यार ने, मस्त मलंग मुझे कर दिया यार ने। ऐसा तड़पाया मुझे दिल बेकरार ने, मस्त मलंग मुझे कर दिया यार ने। इतना बड़ा धमाका करने पर हमारी हुकूमत तुम्हें और तुम्हारे गैंग को 50 लाख रुपए इनाम देती है। थैंक यू। हेलो जी, बोल रहा हूँ। समंदर के किनारे मुझे दो बेहोश बच्चे मिले हैं जिनकी बाजियाबी के लिए आपने अखबार में 5 लाख रुपए के इनाम का इश्तहार दिया है। तुम मुझे अपना पता बताओ, मैं रकम लेकर आ रहा हूँ। विक्टोरिया रोड पर रेक्स सिनेमा के सामने एक जेर तामीर बिल्डिंग में मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। बच्चे जिंदा बच गए? मिस्टर सिकंदर, वो बच्चे हमारे जुर्म के चश्मदीद गवाह हैं। जब तक तुम उनकी लाशें हमारे कदमों में नहीं गिरा दोगे, ना हम तुम्हें ये रकम देंगे और ना ही तुम्हारी जिंदगी की जमानत दे सकते हैं। गुड बाय। प्लीज जरा सुन। Thank you.
होने की कोई बात नहीं है तो बहुत ही मैं इनको ले जाऊंगा। भूखे हैं बेचारे, इनको कुछ खाने के लिए दो। आए हाय, खाना वैसे का वैसे पड़ा है, नवाब के बच्चों को हमारा खाना पसंद नहीं आया। चलो चलो उठो, ये चार पाई खाली करो, मेरे बच्चों ने खाना है। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चलो उठो। बच्चे तुम्हारे पास है तो तुम उन्हें अपने साथ लेकर क्यों नहीं आए? मैं गरीब आदमी हूं साहब, ऐसा ना हो कि बच्चे हासिल करने के बाद आप मुझे धक्के देकर घर से निकाल दें। अगर इनाम पहले मिल जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इनाम तुम्हें जरूर मिलेगा, आओ मेरे साथ। सिकंदर बेटे, मैं भी साथ चलूंगा। आप कहां जाएंगे?
अपने दोस्त के बच्चों को लेने मैं खुद जाऊंगा। देखो बेदार खान, इस ट्रक ड्राइवर को अपने साथ ले जाओ और तुमने जो कुछ करना है वो तुम खूब जानते हो। ओके बॉस। कोशिश न करना, और अगर कभी ऐसी गलती की तो
नन्हे मियाँ। अगर तुम्हारे ये चपड़े घोड़े के चपलों से ज्यादा मजबूत है तो ठीक है, हवेली के दरवाजे खुले हैं, भाग जाओ भाग जाओ। क्या हुआ? मैं तुम्हें क्या बताऊं? अखबार में लिखा है कि मुल्क की मशहूर फिल्म स्टार नसीम आरा की सालगिरह पर उसे 5 लाख रुपए का हीरों का हार मिलेगा। हाय हाय, ये हार तुम्हारे गले में भी आ सकता है। थोड़ी सी चालाकी की जरूरत है। वो कैसे? बताता हूँ। सर पहले बहुत देर हो चुकी है यार। एक, ए, दो, ए भाई साहब, टैक्सी का किराया तो देते जाओ। भाई दे दिया टैक्सी किराया। हाँ भाई दे देते हैं, हम आपको डबल किराया देंगे। वापस भी तो आपकी टैक्सी में जाना। क्या वापस भी मेरी टैक्सी में जाना? मगर कितनी देर के बाद? ओहो भाई देर तो लगेगी, क्योंकि अंदर मशहूर फिल्म स्टार नसीम आरा की सालगिरह है। अच्छा अच्छा अच्छा, सालगिरह है। आप हमारे साथ मेहमान बनकर चलिए। मगर प्राइस हाल कर में मेरा क्या काम है भाई? और मेरी हालत तो ठीक नहीं है, कपड़े तो देखो यार। क्या बात क्या कह रहे हैं आप? हमारे साथ मेहमान बनकर चलिए। हाँ चलिए आइए ना। नहीं यार देखो, मुझे मार दीजिए तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। अरे मुझे तो स्केटिंग करवा रहे हो। अच्छा आ जाइए।
फायदा उठाकर मेरी बच्ची का हार चोरी किया इस वेरी में। दरवाजे बंद कर दो। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप में से कोई भी तलाशी दिए बगैर बाहर नहीं जा सकता। कल्लू। यस सर। तलाशी शुरू की जाए। ओके सर। जल्दी से तुम भी तलाशी लो। बस नसीम आ रहा, बेहतर है कि खवातीन की तलाशी आप खुद लें। Mm-hmm.
मिस्टर पोलानी, आपको अपनी बेटी की सालगिरह मुबारक हो। आप तलाशी लेकर हमारी तौहीन कर रहे हैं। हम शरीफ लोग हैं, कोई चोर नहीं है। इस बात की तो मैं भी तायद करता हूँ कि वाकई तुम लोगों के साथ जाती हुई है, मगर हो सकता किसी ने मजाक किया हो। परवाह नहीं, एक मशवरा मैं आपको देता हूँ। ये चांदी का कटोरा इधर रखता हूँ, जिसने मजाक किया है वो मजाक इसमें डाल दे, माफ कर दे वो हार इसमें डाल दे। अभी टेबल तो है नहीं, चलो ऐसा करो इससे गुजारा कर लेते हैं। याकूब गंजे लाइट अप। अरे चांदी का कटोरा भी गायब हो गया। कमाल है आपको कटोरे की पड़ी, इधर किसी ने डैडी को गायब कर दिया है। डैडी डैडी डैडी, तो मेरे जबड़े हिला दिए। खैर हो आपकी। आपने भी मेरे टखनों के जोड़ हिला दिए। आपकी भी खैर हो। Oh!
अगर ये हार नकली था तो सारा ड्रामा रचाने का मकसद क्या था? ये जानने के लिए कि शहर का सबसे ज्यादा चालाक और होशियार मुजरिम कौन है जो ये बच्चे ढूंढ कर मेरे पास ला सके। अगर मैं ये बच्चे तुम्हें ला दूं तो मुझे इस काम का क्या मुआवजा मिलेगा? इश्तिहार में दी हुई रकम से 2 लाख रुपए ज्यादा, यानी 7 लाख रुपए। गुमशुदा बच्चों में उसकी गैर मामूली दिलचस्पी सिकंदर के किरदार को मशहूर बना रही है सर। वेरी गुड मिस्टर इरफान, उस पर कड़ी नजर रखो। ओके सर। अरे तुम आप कैसे हैं? ठीक हूँ। वो आजकल नजर नहीं आते। मैं जरा मसरूफ हूँ ना इसलिए। अच्छा अच्छा फिर मैं चलती हूँ, बाय। ए, क्या बात है? चलो थाने। क्यों? वो लड़की मेरा बटुआ लेकर भाग गई है, तुम उसके साथ ही हो। क्या बकते हो? माफ करना भाई, माफ करना, वो लड़की भी नहीं जगी। अब
अच्छा आ जाओ। अरे तुम यहाँ रहती हो? हाँ, हाँ। तुम्हारी बहन कहाँ है? हाँ वो अभी अभी बहुत जल्दी जल्दी में आई थी। आई थी क्या मतलब? क्या वो घर पर नहीं है? मालूम होता है वो इस गैलरी से कूदकर दोबारा बाहर भाग गई। भाग कर जाएगी कहाँ? खुदा हाफिज। चाय तो पी के जाइए। जिंदगी रही तो फिर कभी पी लूंगा। अब चलता हूं। तुम्हारी बहन ने कहा था तुम घर पर नहीं हो। तुम्हें बचाने के लिए उसने कितना बड़ा झूठ बोला। चलो। कहाँ? जो तुम्हारा असल मुकाम है, थाने। अरे क्या कहा तुमने, शादी के लिए लड़की पसंद कर ली है? अरे कैसी है वो? डैडी वो इतनी शरीफ लड़की है कि फरिश्ते उसके दामन पे नमाज पढ़ते हैं। लेकिन वो है कहाँ? शबाना आ जाओ। हाँ अरे डैडी ये शबाना है और शबाना ये मेरे डैडी हैं। बहुत शरीफ और मुअज्ज़ज़ इंसान है। इन्होंने मुझे यतीम खाने से लेकर पाला। क्या कहा, शरीफ लड़की है, शरीफ लड़की, भाग जाओ, मैं कहता हूं निकल जाओ। डैडी आप क्या कर रहे हैं, मेरी होने वाली बीवी को बेइज्जत करके घर से निकाल रहे हैं? गंजा से क्या गए? अगर मेरा होने वाला सुलझा ना, मैं तेरे लड़ाके की कुर्सी लेकर जाऊंगी। हमारा खून हमारे दोस्त को क्यों नहीं चढ़ाती है? तुमको कितनी बार कह चुका हूँ कि तुम्हारा खून तुम्हारे दोस्त को नहीं दे सकता। वह क्यों नहीं दे सकते? इसलिए नहीं दे सकता कि तुम दोनों के खून का ग्रुप अलग अलग है। जल्दी खून का इंतजाम करो वरना तुम्हारा दोस्त मर जाएगा। माँ जी तुम इसका ख्याल करो, हम फटाफट जाती है और फटाफट जाती है। ठीक है बेटा ठीक है। हाय मैं सदके जावा इस अस्पताल तो, मैं वारी ना डॉक्टर तो, मैं कुर्बान ना नर्सा तो, जिन्ना मेरे वर्गे आजाद उम्मीदवार दे खून दी डिमांड करके एहो जे खूबसूरत नौजवान दी जान बचाई है। उई हाय दुनिया ते प्यार मिले कोई दिलदार मिले आवे सवाद गल बात दा। हाय लुड्डी है जमालो पाओ, लुड्डी है जमालो, उई लुड्डी है जमालो पाओ, लुड्डी है जमालो, हाय लुड्डी है जु... आए खासा मेल भी आवे। उई बात ही है जी है सबर। हाय लुड्डी है जमालो, उई लुड्डी है जमालो, हाय मेरे बेटे को क्या हो गया? आए मैं सदके जामा इस बीमार अंजुमन तो, आए मैं सदके, मैं वारी, मैं कुर्बान अपनी बरादरी तो, ना दिन दिन ना दिन दिन ना ना दिन दिन ना दिन दिन ना ना दिन दिन ना दा 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 ओए जा जा। मैं मर गई। हाय
दुनिया से प्यार मिले कोई दिलदार मिले आवे गदार कल पात का वो देखो मेरे बेटे को क्या हो गया। वो तुम फिक्र मत करो माँ जी, वो नालायक डॉक्टर का बच्चा, तुमने हमारे दोस्त का क्या गलत मदद से इलाज किया कि हमारे बहादुर जवान को हिजड़ा बना दिया। हमने तुम्हारे दोस्त को हिजड़ा नहीं बनाया। तो फिर किसने बनाया? ना तुम इस हिजड़े को यहाँ खून देने के लिए लाते और ना हम इस हिजड़े का खून तुम्हारे दोस्त को लगाते और ना तुम्हारा दोस्त हिजड़ा बनता। खून की तब्दीली के वजह से कोला कैलेंडर खुद सा बन गया है। अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। मेरा नाम रंगू दादा है। याद करो तूने इसी बाजार में मुझे जलील किया था, आज मैं उसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए जा रहा हूँ। तुझे घुंघरू पहनकर नाचना होगा। नहीं नहीं रे बदमाशा, हाय रब्बा वास्ते मैं बड़ा गैरतमंद खुसरावा, बड़े बाजार में मुझको ले जाकर मेरी बेइज्जती मत करो। रब्बा वास्ते मेरे बैर मतलब लगा। तू नहीं नाचेगा? नहीं मैं तो तुम्हारी मां नाचेगी। नहीं तुम्हारी सास नाचेगी। नहीं और तुम्हारी मंगेतर नाचेगी। वही मैं मर गई तो फिर नाचो। उमराओ जानदा का सलाम कबूल हो। मोहब्बत का नगमा है, मैं नगमा गर हूँ। ये नामा किसी का है, मैं नामा बर हूँ। पारों खाता के मजामो जुबानी सुनाओ। जुबानी सुनाओ। ओला मुझे शर्म आती है, कैसे बताऊं। कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊं। कहो तो तुम्हारी पुराने गाने छड़ दे दीनी तवायब, फिल्म स्टार अंजमन दा कोई पड़की ला जा गाना सुनाओ। साडा की ये अल्लाह ही अल्लाह, साडा की ये अल्लाह ही अल्लाह। कोई नहीं है दुनिया दे बेच, कोई नहीं है दुनिया दे बेच, पड़े जो मेरा पल्ला वी अल्लाह। रुक क्यों गई हो खुसरो की शंशा, अब कोई शबनम का गीत सुनाओ। हायरी किस्मत जय मजबोरे, तेरे लाए मैनू नचना पया। हाय मैमरी समाता जै मजबूरे, तेरे लाई मैनू नचना पया, तेरे लाई मैनू नचना पया। रुक क्यों गई चंडाल हसीना, अब कोई प्यार भरा बाबरा शरीफ का गीत हो जाए। मुझे प्यार करते करते तेरी टांग टूट जाए, तुझे मौत भी जो आए मेरे बाजुओं में आए। मुझे प्यार करते करते तेरी टांग टूट जाए। हम तुम्हारे बुढ़ापे के दुश्मन नहीं, अपने इंतकाम के गुलाम हैं। नकली अमराव जानदार
अब हमें फिल्म स्टार रानी का कोई आंसुओं से लबरेज गाना सुनाओ। जो बचा है वो लौटाने के लिए आई हो चले इतना सितम कर तेरी पर जाई हो आखरी दाव आए लगाने के लिए आई हो जो बचा है वो लौटाने के लिए आई हो आए मेरी कमर गए टांगे खोल गए मुए कब तक नचवाएगा जा तेरा पेड़ा करा बेबी हाय हाय कहाँ जाना है आपको मुझे हाँ मुझे तो कहीं नहीं जाना हाय तो फिर मेरे मोटरसाइकिल पर क्यों बैठ गई ये कहने के लिए कि जो कुछ आपकी जेब में है आप उसे मेरे हवाले कर दें मुस्कुराते हुए वरना मैं यहाँ पर मचमा लगाकर तुम पर इज्जत लूटने का इल्जाम लगाऊंगा और फिर लोग तुम्हें मारते 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 सीधे थाने ले जाएंगे कैसा बहुत अच्छा खुदा के लिए मुझ पर रहम करो रफंगे रकम देनी है या थाने जाना है रकम ही नहीं देनी और थाने भी नहीं जाना हाँ, तो फिर तैयार हो जाओ अपने खौफनाक अंजाम के लिए नादान छोकरे बचाओ 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 आज नजर आने सारी पब्लिक क्या हुआ बहन क्या हुआ मैं सड़क के किनारे खड़ी थी कि इस बदमाश ने मेरा हाथ पकड़कर मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की इसे मारो मारो इसे रुक जाओ समाज अभी मौका है कैश निकालो रकम ही नहीं देनी थाने भी नहीं जाना क्या हुआ क्यों रो रही हो मैं स्कूल जा रही थी तो इस बदमाश ने मेरा हाथ खींच कर अपनी मोटर बाइक पे बैठा लिया और मुझसे इस किस्म की गंदी गंदी बातें की अगर मैं वो आपको बता दूं तो आप तो शर्म से वाटर वाटर हो जाएं हाँ मैं आपको एक मशवरा दूं क्या मैं तो चाहती हूँ आप इसको 120 साल के लिए जेल में ढकेल दें या फिर इसको 13 दफा फांसी देते हाँ ताकि लोगों को इससे इबरत हासिल हो बजाय आप मेरे फरियाद सुनने के इस लुच्चे लफंगे को सलूट कर रहे हैं मुझे तो आप भी से मिले हुए लगते हैं मैं अभी जाती हूँ आपसे बड़े अफसर के पास और आपकी भी यो छुट्टी करवाती हूँ गुड बाय मिस्टर शेख टाटा सलाम साहब जी अच्छा हुआ आप मिल गए आजकल आप होते कहाँ हैं क्या हाल कौन है ये लड़की सर ये वही लड़की है जिसे गिरफ्तार करने के लिए आपने मुझे भेजा था वेरी गुड मिस्टर इरफान इस लड़की की हमारे पास बहुत सी शिकायत पहुंची है इसे हवालात में बंद कर दो ओके सर चलिए Oh.
हैंडसम हो, कितने स्वीट हो, तुम्हारी शक्ल बड़ी मासूम है, बिल्कुल बच्चों की तरह पॉली पॉली। अच्छा सुनो, कहो। तुम मुझे यहाँ से बाहर निकलवा दो। शट अप। अरे तुम कहाँ? यहाँ तो वहाँ हम। हाय हाय, हमारी भी क्या जिंदगी है, कभी रेल में कभी जेल में। खैर हो आपकी? आपकी भी खैर हो। के आपके होते हुए वो लड़कियां भागी कैसे? रात को डीआईजी साहब का फोन आया था, उन्होंने कहा जमानत के वक्त। वो जाएंगी कहां? Thank you.
मुमकिन हो जल्द अज जल्द इस पते पर पहुंच जाओ। ओके सर। हेलो, कौन? मैं नादिया बोल रही हूँ दादा, मुझे मैं नादिया बोल रही हूँ। नादिया, मेरी जान कहाँ हो तुम? ठीक तो हो ना तुम? आमिर किधर है? आमिर? हाँ जी, हाँ जी, आमिर मेरा साथ है। तुम बोल कहाँ से रही हो बेटा, जल्दी से बताओ, हम अभी वहां पहुंचते हैं। हेलो नादिया, तुम बोलती क्यों नहीं हो? बोलो बेटा, तुम कहां से बात कर रही हो? नादिया, नादिया। हेलो, फोन तो कट चुका है। मेरे खुदा, पता नहीं मेरे बच्चे कहां है, किस मुसीबत में है। कभी हमको हंसाता है,
कभी हमको रुलाता है, कभी हमको हंसाता है, कभी हमको रुलाता है। खुदा बंदों को गम देकर, खुदा बंदों को गम देकर, जहां में आजमाता है, कभी हमको हंसाता है, कभी हमको रुलाता है। Ah!
इसे तारीख का खाने में ढकेल दो, ले जाओ। किस बदबخت ने कहा कि बच्चे मेरी हवेली में हैं? बच्चों ने आपकी हवेली से मुझे फोन किया था और मैंने उनके पीछे अपने एक आदमी भेजा था। आदमी? कौन आदमी? यहाँ कोई आदमी नहीं आया, कोई खतरा नहीं आया, कोई बच्चे नहीं आए, क्या समझे? अच्छा तो तुम शादी की तारीख मुकरर करने आई हो? हाँ मैडम। मैं अपनी प्यारी सी बेटी की शादी उस खुसरे के हवाले कर दूं जिसने बड़े बाजार में मुझे करके उन्हें सुनसवा कर दिया था। नहीं माँ जी, मैं शादी करूंगी तो खुसरे से करूंगी, वो खुसरा भी किसी हीरे से कम तो नहीं है। अच्छा तो मैं तुम्हारी शादी करवाती हूँ। आज मैं अपने फूल से नाजुक गुलबदन जिस्म से उस हिजड़े का वो बेगैरत नाबाल खून में चोर का रख दूंगी जिससे मुझे गली गली कूचे कूचे कोठे कोठे और बलेरे बलेरे रुसवा किया है। मुझे मत रोकियो, मत टोकियो। अगर हमारे दोस्त के पास के खून की जरूरत पड़ती है तो हम पटापट जाती है और पटापट आती है। नहीं, हमारे पास खून का इंतजाम है। वो कुर्बान बैंक में नूरी नथ का खून पड़ा हुआ था, हमने तुम्हारे दोस्त को वो खून चढ़ा दिया। हाय अल्लाह, अब मेरे बेटे का क्या होगा? क्या तुम वो नहीं हो जिसको हमने इसी बाजार में नचाकर जलील और ख्वार किया था? मैं वही हूं और आज उसी बेइज्जती का बदला लेने आया हूं। नाचो हुंडी तबाइश, इतनी जोर से नाचो कि तुम्हारे चीखों की आवाज तुम्हारे घुंघरुओं में तप कर रहे थे। तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं इतना बड़ा हुंडा
इस बाजार में नाचूंगा। तुम नाचोगे? बहुतियां गल्लां दा इक्को ही हल, कंडासे दा फल। दो चीजां चो एक चीज तनु सिलेक्ट करनी पैगी सोनिया, या ते नचेंगा ते या इस कंडासे दी इबरतनाक मौत कबूल करेंगा सोनिया। मगर मैं कैसे नाचूं? मैं तो रक्स से नावाकिफ हूँ। तू के नावाकिफ आदाब गुलामी है अभी रक्स जंजीर पर कर किया जाता है रक्स जंजीर पर कर्ज किया जाता है तू के नाम से आदाब गुलामी है अभी रक्स जंजीर पर कर्ज किया जाता है तेरी झोली च पा देंगा दीदा सौदा करन वाली ये बुढ़िए मुटियारे तू मेरी सस है ते पुजी सिरी सोनिए कौन हो तुम यहां किस लिए आए हो सुने तैनू दो बच्चों की तलाश है मेरी दहशत ते चर्चे ते खर्चे तो तू सुने होंगे मेरा नाम नूरी नत्ते जे मैं तिना मिनटां दे अंदर अंदर उन्हां बच्चों नू लिया के ते तेरे कदम च ना सुटिया ते ना मेरा नाम नूरी नत्ते ना मेरा गंडा सा खून लत पत्ते पर मैं तेरे कोलो एक गल पूछना वो क्या मैनू ए दस वो बच्चे है किथे ने बकवास बंद करो अगर मुझे पता होता कि बच्चे कहां हैं तो मैं अखबार में इश्तहार क्यों देता
बच्चों की तलाश में आपने 5 लाख का इनाम रखा है, वो दोनों बच्चे मेरे पास है। कहाँ है वो? 5 लाख रुपए। वेरी गुड, बहुत खूब। मिस्टर गंडा साहब, तुम भी हमारे साथ चलो। और ले जाओ इन दोनों बच्चों को। पूरे 5 लाख हैं। मिस्टर गंडा साहब, इन बच्चों को खत्म कर दो। चंगा। अंकल अंकल, हमें मत मारना। अंकल, उन लड़कियों ने गुमशुदा बच्चों के नकाब पहनने के लिए हमें 100 रुपए दिए थे। बॉस, उसने हमसे धोखा किया है। ये वो बच्चे नहीं है। इन लड़कियों को जाने मत दो, पकड़ो। छोड़ दो, ये मेरा शिकार है। छुड़ा सकते हो तो छुड़ा लो। मुन्ने बच्चों के सर पर नहीं, हमें इनाम नहीं चाहिए, हमें दौलत नहीं चाहिए, हमें तो बस ये दो नन्ने मुन्ने फूल चाहिए। नन्ने मियां, याद रखो, अगर ये बच्चे यहां से भाग गए तो ना तुम रहोगे और न तुम्हारी दास्तान सुनाने वाला कोई देता रहेगा। क्या समझे? ना ही समझे। हे 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 ह
कौन है? कौन? अच्छा आ जाओ। कौन है? कौन हो तुम? क्या? बचाओ! छोड़ो मुझे! छोड़ो! छोड़ो मुझे! छोड़ो! छोड़ो मेरी बहन! आए! आए मेरी बहन! आए! 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 उस हसीना 500 चली दी अन्नी पहने जिन्हें तेरे को लो 5 लाख रुपया फरार नल हथिया के रफू चक्कर हो चुकी है उन 10 नूरी नत टक टक करके एदे नल की सलूक करे सोनिया इसके साथ ऐसा भयानक सलूक किया जाए कि ये अपना खूबसूरत चेहरा किसी को दिखाने के काबिल न रहे ओए नहीं रवेगी सोनिया ऐ सलूक मैं एदे नल करांगा तू दरवाजा बंद करके बाहर चला जा सोने ते साडे वास्ते दूध जलेबियां दा बंदोबस्त कर ओए आ गंदा सा जड़ा मैं मौले जट कोलो किराए ते लेके आया वहां 75 रुपए फी घंटे दे हिसाब नाल ओए इस गंदा से नाल तेरे टोटे टोटे करके चीलांगे पावांगा जे तू इनकार कीता मैनू जिमनास्टिक ना करा मेरा टाइम वेस्ट ना कर हाली मैं 2 रेपा होर भी करनी ने किथे गए किथे छुप गई है मुखो जटिए सुनो इसे उठाकर अस्पताल ले चलो डॉक्टर साहब अगर खून का जरूरत है तो हम फटाफट बंदोबस्त करती है बट बचाना जरूरी है जो खून ही तो लगा रहा हूं चुप करके खड़े रहो ठीक है खून लगाओ है तुम्हारे उस खून की जिसका एक कतरा भी मेरे जिस्म में नहीं रहा डॉक्टर मुझे कसम है तुम्हारे एक एक इंजेक्शन की सलाजी खान मुझे कसम है तुम्हारे फटाफट खून के इंतजाम की जब तक मैं दुश्मन के खोपड़ी में उसी का खून पीकर उसकी लाश पर रक्त ही कर लेता अपना मनहूस चेहरा तुम्हें नहीं दिखाऊंगा मां ओह माय गॉड वो डॉक्टर साहब किस दफा तुमने हमारे दोस्त को किसके खून चढ़ाया ये खून हमारे मुल्क के मशहूर जंगजू हीरो शाह जमान उर्फ लाला सुधीर का है वो भूत ने चेक किया वो कुर्बान जाओ खान पुत्र वो तुम्हारा रिवॉल्वर ले गया वो किसी को कत्ल ना कर दे वो तुम फिक्र मत करो माँ जी वो रिवॉल्वर खाली है उसका गोली इधर हमारी जीप में है इधर की को खान पुत्र फिर तो और भी बुरा हुआ वो किसी के हाथों कत्ल ना हो जाए जो उसके पीछे वो खुदाया पाका ये बात तो हमारे मगज में भी नहीं बैठा है पता पट Thank you.
खतरनाक आदमी उठा कर ले गया जिसे मैं नहीं जानता नहीं जानता नहीं जानता नहीं जानता। मुझे मालूम है कि उसे किसने अफवाह किया है। अंकल, आप हमें इसके हवाले करने के लिए लाए हैं? हाँ। नहीं नहीं अंकल, ये वही आदमी है जिसने गुलशन मार्केट में बम का धमाका करके सैकड़ों बेगुनाह इंसानों को हलाक कर दिया था। अंकल, ये वही आदमी है जिसने हमारे माँ बाप को कत्ल किया था। खुदा के लिए अंकल, आप हम दोनों को इसके हवाले न कीजिए, नहीं तो ये हमें मार डालेगा। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं कि तुम्हारे साथ क्या सलूक करता है, मुझे पैसा चाहिए, सिर्फ पैसा। बच्चे मिल गए हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। जो बदमाशों ने लेके आया उसे रकम देनी है पूरे 5 लाख रुपए। कौन है वो?
वो एक पेशेवर बदमाश है। मेरे आने तक उसे काबू में रखो, मैं रकम लेकर अभी आता हूँ। ओके टाइगर, इस बदमाश को जंजीरों में जकड़ दो। बॉस के यहां पहुंचने तक इन सबको जंजीरों से बांध दो। महफिल को रंगीन बनाने के लिए रक्स सुरूर का इंतजाम किया जाए। We'll be right back.
तो ये है वो बच्चे। लेकिन इन बच्चों के साथ साथ इस बदमाश की मौत बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे मुतालिक बहुत कुछ जानता है। मैं इसको अपने हाथों से खत्म करके अपने मुल्क वापस जाऊंगा। इन सबको गोलियों से छलनी कर दो। खैर हो आपकी? आपकी भी खैर हो। तुम तो अंधी थी। अंधे होगे तुम, अंधा होगा तुम्हारा बाप, अंधी होगी तुम्हारी माँ। तुम मेरा पीछा करते हुए खुद यहाँ मौत के मुंह में आ गए हो। ऊपर देखो। को बोलो हथियार फेंक दो, वरना मैं तुम्हारे तरबूज जैसे सर में 18 सुराख कर दूंगी। बोलो हथियार फेंक दो। इस मशीन गन वाले से बचना नामुमकिन है। तो फिर इन सबको मैं अपने हाथों से खत्म करूंगा। तेरो! मैंने अपने हाथों से खुद मारूंगा। खबरदार फरंगिया, अगर तुमने अपनी जगह से हिलने की कोशिश की तो कसम है मुझे अपनी माँ के खून की, मैं इस रिवाल्वर की दो गोलियां तुम्हारी पुरपुरी में मारकर दो मोरिया पुल बना दूंगा। कौन है ये? ये अपने इलाके का बदमाश है। तुम जिस बदमाश का जिक्र कर रहे हो, जिस बदमाश से तुमने नाजायज काम करवाए हैं, उस बदमाश को मैंने कंडा से समेत दफन कर दिया है। और अब जो बदमाश तुम्हारे सामने खड़ा है वो बदमाश नहीं, लाला अकबर खान है नाजायज फरंगी। क्लाशन को फेंक दो, वरना इस रिवाल्वर की हर एक गोली पर तुम्हारा नाम लिखा है। कौम का दुश्मन, समगलर, तखरीबकार, मैं कहता हूं क्लाशन को फेंक दो। एक्सक्यूज मी, मैं जरा हर्ल पोपो कर रहा हूं। हिलना मत। अभी थोड़ी देर में दो लाशें जमीन पर तड़पती हुई नजर आएंगी, एक तुम्हारी और एक मेरी। क्या ये बेहतर नहीं है कि हम दोनों समझौता कर लें? तुम भी हथियार फेंक दो और मैं भी फेंकता हूं। मुझ पे इत्मार करके अपनी जान गंवा बैठे हो नादान फरंगी।
की भी खैर हो। तुम? हाँ हाँ मैनू गांव में वेख वे ते मैं ओही है घोड़े दे मुंह आ लिया जिन्नू तू हमेशा कमजोर ते बुजदिल समझ के टुकरांदा रहे तू लतियां मारदा रहे। इस कियामत नू गौर नाल वेख वे जालमा लोकी ते कफन सिर ते बन के आउंदे ने मैं लक नाल बन के आई हां। शाबाश मेरे खून शरीक भाई तुमने तो कमाल कर दिया। बच्चों को सवार कराकर किसी महफूज मकाम पर ले चलो। बच्चे कहाँ है? तुम स्टार्ट करो मैं उनको लेकर आता हूँ। ओके। जाओ इनका पीछा करो कोई बचकर न जाने पाए। जाओ Thank you.
जानी, मेरी जान। रुक जा बुज़दिल तकरीबकार, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें इसलिए नहीं मार रही कि तुमने मेरी माँ और मेरे बाप का खून किया है। मैं तुम्हें इसलिए मार रही हूँ कि तुम मेरे खुदा और उसके सच्चे रसूल के मुनकिर हो। तुम इस्लाम के दुश्मन और मुसलमानों के कातिल हो। तुम मैं सुन सकती, मेरा प्यारे वतन पाकिस्तान का वतन हो। कसम है मुझे उन मासूम और बेगुनाह इंसानों की जो तुम्हारी वजह से किए हुए धमाकों और हंगामों में शहीद हुए हैं। मैं आज का दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन बना दूंगी। हाँ!